गुड मॉर्निंग फॉर्टियर्स। लास्ट क्लास में हमने सीवियल टाइप्स ऑफ बर्थ इंजरी देखा था। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ। हमने डेफिनेशन देख लिया था कि बर्थ इंजरीज क्या होता है, हाई रिस्क फैक्टर्स देखे थे, टाइप्स ऑफ इंजरी एंड अफेक्टेड ऑर्गन्स देखे थे, इंजरी ऑफ द हेड इसमें सिफलोहेमाटोमा देखा था, देन स्कल्प इंजरी में माइनर इंजरी एंड फ्रैक्चर्स स्कल देखा था, एंड इसका मैनेजमेंट भी देख लिया था। फिर हमने थर्ड इंट्रा क्रैनियल हेमरेज को डील कर रखा रहा था। इसके टाइप्स में हमने अकॉर्डिंगली ट्रॉमेटिक ICH के अंदर 2-3 टाइप्स थे, ठीक है, ये आप देख लेना। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज के टाइप क्या है, ठीक है, तो टाइप को हम ये इन टाइप्स में बोलते हैं, ठीक है, एपिड्यूरल, सबड्यूरल। और अगर कॉजेस के अकॉर्डिंग आपको टाइप पूछे तो फिर आप ये बोल सकते हो कि ट्रॉमेटिक्स से 3 होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही अगर आपसे पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट फिर नाम बताना, जैसे कि 3 आपने वो थे और अपना 4th ये वाला है, 6th ये वाला है, ठीक है। तो अगर आपसे दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको दोनों तरीके से बताना है, ठीक है। लास्ट वाला टाइप में हीमोलाइटिक डिसऑर्डर था, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो हम प्रीवियसली क्लास में डील कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन द न्यूबॉर्न लिखा है, ठीक है। प्राइमरी हेमरेजिक कंडीशन, दैट मीन्स बेबी को उसके मैटरनल फैक्टर के कारण उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, तो वो हम पढ़ चुके थे। इसका मैनेजमेंट हमने कर लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदर इंजरीज। अदर इंजरीज में अभी और भी बहुत सारी बर्थ इंजरीज हैं, ठीक है, 4-5 और बची है। स्टार्ट करते हैं अदर इंजरीज। स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, जैसे कि उस बेबी के बॉडी पार्ट में किसी भी पार्ट में इंजरीज हो जाना, जैसे कि फेस पे, बटक्स, आईलिड, हिप, लिप्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन, ठीक है। जनरली क्या होता है कि इसमें ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एंड अगर सिम्टोमेटिक होता है, जैसे कि जैसे उसको क्रैम्प्स हो गया, उसको पेन हो रहा है, तो हम उसको एनाल्जेसिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ इंजरी में देखो, स्टर्नोक्लीडोमास्ट्रेट SCM एंड स्टर्नोमास्ट्रेट हेमेटोमा। स्टर्नोमास्ट्राइट को हम टॉर्टिकोलिस भी बोलते हैं। टॉर्टिकोलिस और ट्विस्ट नेक इज डिफाइंड एज डैमेज एंड स्पास्म ऑन स्टर्नोमास्ट्राइट मसल्स। जो स्टर्नोमास्ट्राइट मसल्स होती है उसमें डैमेज हो जाता है, स्पास्म हो जाता है। ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द एंटीरियर शोल्डर व्हेन द फीटस प्रेजेंट बाय द वर्टेक्स और ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स व्हेन द फीटस बीइंग बोर्न बाय ब्रिज। ब्रिज कंडीशन में क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको उस टाइम पर स्टर्नोमास्ट्राइट मसल्स में क्या होता है, किसी कारण से जैसे कि पुलिंग अप से उसको डैमेज या स्पाज्म की कंडीशन आ जाती है, जिसके कारण उसका शोल्डर होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स देखो आप। इसमें सबसे पहले आप इमेज देखो, इसमें बेबी का हेड किस तरीके से हो रहा है। देखो एक साइड से उसका हेड प्रॉपरली नहीं, सीधा नहीं है, देखो एक साइड से टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। जो उसकी मसल्स पेन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि एकदम स्ट्रेट नहीं कर पाता है हेड को। इधर आप देख सकते हो कि स्ट्रेट नहीं कर पा रहा है वो हेड को, क्योंकि इसको पेन होगा अगर वो स्ट्रेट करेगा तो। द हेड टिल्ट टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, देखो अफेक्टेड साइड पर उसका हेड टिल्ट है ना, कॉन्स्टेंटली एंड चिन पॉइंट टुवर्ड ऑन शोल्डर। जो चिन पॉइंट है वो कहाँ पे होता है, शोल्डर से टच रहता है। वन शोल्डर मे बी हायर इन द बॉडी देन द अदर शोल्डर। इसमें आप देख सकते हो कि जो इसका वन शोल्डर है, ठीक है, जैसे कि ये वाला शोल्डर उसका हाई जा रहा है और ये वाला शोल्डर थोड़ा उसका लो जा रहा है।
नेक मसल स्वेलिंग राइट आफ्टर द बर्थ, जो उसका नेक है उसमें स्वेलिंग रहेगी आफ्टर बर्थ से, जैसे कि उसका बर्थ होगा तब अगर उसको इंजरी हो गई तो हमको एट द बर्थ ऑफ ही हमको दिखने लगेगा, जैसे कि उसको स्पाज्म हुआ है तो जैसे कि स्पाज्म हुआ है विद इन 1 मिनट में उसको वहाँ पे स्वेलिंग दिखने लगेगी। अब इसमें शो नहीं हो रहा है ठीक से, देखो इसमें इसमें हल्का हल्का आपको स्वेलिंग टाइप दिख रहा होगा। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में इसका जनरली यही मैनेजमेंट है कि मसल्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएंगे बेबी को, हेड पर एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक करने की कोशिश, स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे लाइटली, एकदम नहीं कि प्रेशर देके, एंड नेक ब्रेस लगाएंगे इसको। द कॉम्प्लिकेटेड स्वेलिंग विल रिजॉल्व विद इन 7 to 10 days, इफ़ इट डजेंट रिजॉल्व इवन After 6 months of muscles stretching exercise, then muscles release surgery is required. अगर ये जो कंडीशन है ये 7 to 10 days में क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर 6 months में भी नॉर्मल नहीं हुआ आफ्टर मसल्स एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करवा रहे उसके बाद भी नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद उसको सर्जरी करवाएंगे मसल्स रिलीज की, जो मसल्स उसको करेंगे, जैसे कि जहाँ पर अगर ज़्यादा स्पाज में ही ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी सर्जरी कराएंगे रिकरेक्टिव सर्जरी। इसमें आप देखो इस तरीके से एक्सरसाइज कराएंगे बेबी की, एंड इस तरीके से जैसे उसने देखो उसका थंब से कर रही लाइट लाइट प्रेशर डाल के इस तरीके से, तो क्या होगा कि यहाँ की जो मसल्स है लाइट प्रेशर से करना है, हैवी प्रेशर से करेंगे तो और स्वेलिंग बढ़ेगी। और नेक्स्ट इमेज में हमको नेक ब्रेस्ट दिख रहा है ठीक है, तो ये मैनेजमेंट है इसका। नेक्स्ट इज स्टर्नोमास्टॉइड हेमाटोमा, इसमें आप इमेज देख रहे हो सबसे पहले, इसको स्वेलिंग हो रही है देखो। इट इज़ द स्टर्नोमास्टॉइड मसल्स इंजरी कॉज्ड बाय रप्चर ऑफ द मसल्स फाइबर एंड ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होता है जो मसल्स फाइबर्स रहती है एंड ब्लड वेसल्स रहती है वो रप्चर हो जाती है, फॉलोवर्ड बाय हिमाटोमा, हिमाटोमा वहाँ पे कलेक्शन हो जाता है, एंड सिकेट्रिक कंट्रक्शन एंड मे बी एसोसिएट विद डिफिकल्ट ब्रिज डिलीवरी और अटेम्प्ट डिलीवरी फॉलोइंग शोल्डर डिस्टोशिया और एक्सेसिव लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक इवन ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। मैंने आपको बताया था ना कि एक्सटेसिव लेटरल फ्लेक्शन क्या होता है, बेबी का हेड ज़्यादा ही लेटरल फ्लेक्शन करना ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, इसमें बेबी का हैंड अबनॉर्मल तरीके से सीधा रहता है ठीक है, तो उस कंडीशन में भी होता है। प्रीच डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन है इसका, इसमें देखो किस तरीके से ब्लड कलेक्शन हो गया उसका, हिमाटोमा दिख रहा है स्वेलिंग टाइप, और इधर भी इस कंडीशन में क्या होगा कि उसका उसको ब्लड कलेक्शन हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें देखिए, इट यूजुअली अपीयर फ्यू डेज आफ्टर बर्थ एंड इट्स यूजुअली सिचुएटेड एट द मिड पोजीशन ऑफ द मसल्स, मिड पोजीशन पे दिख रहा है हमको देखो, मिड पोजीशन पे दिख रहा है, इधर भी मिड पोजीशन पे दिख रहा है। स्मॉल मॉडरेटली डेंस और रैदर स्मॉल कॉन्स्टेंटली ऑफ मास ऑफ विथ द साइज ऑफ वॉलनट अपीयर्स, ये हमें वॉलनट टाइप दिख रहा है। देर इज ट्रांशियट टॉर्टिकोलिस, ये टॉर्टिकोलिस से अलग होता है मैनेजमेंट इसका, इसका मैनेजमेंट भी वही है मसल्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड सर्जरी इज इंडिकेटेड इफ हिमाटोमा फेल्स टू द रीअब्जॉर्ब, अगर हिमाटोमा उसका कम नहीं हो रहा है तो उसकी सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट हमारा विसरल इंजुरी है या अदर टाइप ऑफ बर्थ इंजुरी है ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको अपनी अगर नोट्स बनाओगे तो अलग अलग टाइप में लिखना ठीक है, जैसे कि ये अभी हमने नेक्स्ट पढ़ा था वो अलग टाइप है हमारा, अदर्स इंजरी में स्किन एंड सबक्यूटेनियस इंजरी, उसके पहले हमने आईसीएच पढ़ा था वो अलग टाइप है,
अभी हमारा अलग टाइप है, विसरल इंजुरी। इंजुरीज और टू द ऑर्गन लाइक लीवर, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल्स और लंग्स आर कॉल्ड विसरल इंजुरी। इन पार्ट में अगर इंजुरीज लगती है, जैसे ऑर्गन्स में अगर इंजुरी होती है, ठीक है, जैसे कि उसको कट ज़्यादा ही लग गया, लीवर तक पहुँच गया, वो स्प्लीन तक उसने किडनी को अफेक्ट कर दिया, लंग्स को अफेक्ट कर दिया, कट लग गया उसमें, तो उसको हम विसरल इंजुरी बोलते हैं। जो ये विसरल इंजुरी है, इसका जो कॉज है वो नॉर्मली ब्रीच डिलीवरी ही है। द मोस्ट कॉमन रिजल्ट ऑफ विसरल इंजुरीज इज हेमरेज। द हेमरेज में रिमेन कंसील्ड एज सब कैप्सुलर हेमाटोमा और कैप्सूल में रप्चर विद द ब्लड फॉलोइंग इनटू पेरिटोनियल कैविटी, प्रोग्नोसिस इज यूजुअली पुअर। इसमें क्या होता है कि जो बेबी को क्या होता है, हेमरेज की कंडीशन आती है, और हेमरेज क्या होता है, क्लॉट कैप्सूल्स के रूप में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये बाद में रप्चर हो जाता है और पेरिटोनियम, अगर उसको एब्डोमिनल एरिया में हो रही है, ठीक है, ये सारे पार्ट कहाँ पे होते हैं, एब्डोमिनल में हो रहे हैं। तो ये जो ब्लड का क्लॉट का कैप्सूल है, ये रप्चर हो जाता है और पेरिटोनियल कैविटी में जाके जमा हो जाता है, ठीक है। इसका जनरली प्रोग्नोसिस क्या होता है, बहुत पुअर होता है। कॉजेस इसका ड्यूरिंग ब्रिज डिलीवरी, देखो इसमें इस तरीके से उन्होंने उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेबी का एब्डोमिन है उस पर प्रेशर पड़ता है। क्लिनिकल फीचर्स इसको देखो, बेबी को हेमरेज की कंडीशन होगी तो पैलर दिखेगा, टेकीकार्डिया होगा उसका, शॉक और सिम्टम्स की कंडीशन हमको दिखने को मिलेगी। शॉक इसलिए क्योंकि उसको ब्लड उसको एकदम से उसका बॉडी में हेमरेज की कंडीशन आ रही है, दैट मीन्स वो उसको शॉक की कंडीशन आ जाएगी। एंड सिम्टम्स हमको अकॉर्डिंग टू कैसे मिलेंगे, जैसे कि बेबी का जो ऑर्गन इफेक्ट है, ठीक है, जैसे किडनी है तो उसमें उस टाइप की सिम्टम्स दिखेंगे, स्प्लीन है तो उसमें उस टाइप की, लीवर है तो उस टाइप की, और लंग्स है तो उस टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट देखो, करेक्शन ऑफ हाइपोवोलेमिया, एनीमिया एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि कोगुलेशन डिसऑर्डर में हम क्या क्या देते हैं। एनीमिया में हम उसको ब्लड आर्टिफिशियल ब्लड देंगे, उसको फ्रोजन ब्लड देंगे, फ्रेश होल ब्लड देंगे। हाइपोवोलेमिया में उसको हम मेडिसिन देंगे एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देंगे। मैनेजमेंट में भी नीडेड टू रिपेयर इंजरीड विसरल सर्जिकली। अगर उसको लंग्स, लीवर या जो भी उसको अफेक्टेड पार्ट है, अगर उसमें इंजरीज हो रही है तो उसको उसकी सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नर्व इंजरी। नर्व्स इंजरी भी हमारा अदर पार्ट ऑफ द बर्थ इंजरीज होता है, ठीक है। Nerve injuries in neonate are those injuries to have nerve that occur during the process of delivery. That most common injuries is to the facial nerve or to the brachial plexus nerve. जो nerve injury है, that the type of nerve, ठीक है, nerve injury में at the time of birth any injuries occur हो जाना during the process of delivery, तो उस कंडीशन में उसको क्या होता है कि नर्व इंजरी की जो कंडीशंस होती है वो देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमन इंजरीज हमको देखने को मिलती है, दैट इज़ फेशियल इंजरी एंड सेकंड वन इज ब्रैकियल प्लेक्सस नर्व। ये दोनों मोस्ट कॉमन इंजरीज होती है जिससे हमें हाईली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके टाइप्स हैं, ठीक है, नर्व इंजरी के टाइप्स है, फेशियल नर्व पाल्सी एंड ब्रेकियल पाल्सी। अब ब्रेकियल पाल्सी में भी टाइप्स हैं, अर्ब पाल्सी, क्रम की पाल्सी, ब्रेकियल पाल्सी इंजुरीज, टोटल ब्रेकियल पाल्सिस इंजुरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फेरनिक इंजुरी, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बताते भी जाऊंगी, बस आपको ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। फर्स्ट है फेशियल नर्व पाल्सी ड्यू टू बर्थ ट्रोमा इज द लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट इन द इन्फेंट फेस ड्यू टू प्रेशर ऑन द फेशियल नर्व। इसमें क्या होता है, फेशियल दैट मीन्स
पता चल रहा है कि फिर रिलेटेड टू फेस एंड नर्व, दैट इज़ नर्व। तो फेस की जो नर्व होती है, अगर उसमें इंजरी हो जाता है जिसके कारण सिम्टम्स हमको देखने को शो होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फेशियल नर्व पाल्सी। ये इसलिए होता है बर्थ ट्रोमा के कारण, जैसे कि बर्थ ट्रोमा के कारण उसके फेस पे ज़्यादा कंप्रेस हो गया है, बर्थ इंजरी के टाइम पे कंप्रेस हो रहा है, या फिर उसको फोर्सेप डिलीवरी करवा रहा है जिससे उसकी जो फेशियल नर्व है वो डैमेज हो गई है, उस कंडीशन में भी होता है। ठीक है, ये इमेज देखो आप, इस पर कितना डायरेक्ट प्रेशर लग रहा है बेबी के हेड पर। उससे क्या होगा कि उसकी जो नर्व है उस पर अफेक्ट पड़ता है अगर फोर्सेप डिलीवरी हम करवा रहे हैं। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट हो जाता है एंड इन्फेंट फेस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फेशियल नर्व इन द फेस। फेस की जो नर्व है, फेशियल नर्व, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बेबी का फेस मूवमेंट है उस पर भी असर पड़ता है। जस्ट बिफोर एट और एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि जस्ट बिफोर, जैसे कि जस्ट उसकी डिलीवरी और फोर्सेप डिलीवरी, हमने फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला, ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जैसे कि उसको पुलिंग कर रहे हैं, हेड पकड़ के उसको खींच रहे हैं, ठीक है, पुल करके बाहर निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हो जाता है फेशियल पाल्सी, ऑल्सो नॉन बेल पाल्सी। फेशियल पाल्सी को हम बेल पाल्सी भी बोलते हैं। फेशियल नर्व गेट्स इंजर्ड एज इट रिमेंस अनप्रोटेक्टेड आफ्टर इट्स एग्जिस्ट थ्रू द साइटोलोमास्टिड फोरामेन। इसमें क्या होता है कि ये फेशियल जो इंजर्ड होती है वो और ज़्यादा हाईली हो सकती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें साइटोमास्टॉइड फोरामेन भी अफेक्टेड हो जाता है। इसमें आप इमेज देखो, अगर बेबी नॉर्मल है तो इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, उसका फेस, एंड जब वो क्राई करेगा तो इस टाइप से उसका फेस दिख रहा है, ठीक है। क्राई भी वो ठीक से नहीं कर पाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर पाएगा ठीक से, एंड उसका जो आई मूवमेंट है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा। कॉजेस में आपको बता चुकी हूँ, डायरेक्ट प्रेशर ऑफ द फोर्स ऑफ ब्लड एंड अदर कॉसेस, कंप्रेस ऑफ द नर्व अगेंस्ट सैक्रल प्रोमिनेंटली। सैक्रल प्रोमिनेंटली दैट अगर किसी वुमन का फ्लैट पेल्विस है और प्रेशर सैक्रल प्रोमिनेंट उसका ज़्यादा ही डायलेटेड नहीं हो पा रहा है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो उस कंडीशन में कंप्रेस होकर नर्व में क्या होगा, डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। मच प्रेशर ऑन द रेमस ऑफ द मैंडिबल वेयर द नर्व क्रॉसेस सुपरफिशियली। क्या होता है, मैंडिबल में अगर जो मैंडिबल पार्ट होता है फेस का, उसमें अगर प्रेशर लग रहा है तो वो भी कॉज करता है नर्व को सुपरफिशियली। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अगर देखते हैं तो देयर इज यूनिलेटरल फेशियल वीकनेस हमको देखने को मिलती है दोनों साइड विथ आई लीड अफेक्टेड। मैंने आपको इमेज बताया ना, देखो आई लीड भी उसका अफेक्टेड हो रहा है, इसमें तो दोनों आँखें ही नहीं खुल रही इसकी, और एक में एक वन आईज थोड़ी सी खुल रही है। साइड रिमेनिंग ओपन द आर इमोबिलाइज, जो उसका पार्ट होता है वो इमोबिलाइज हो जाता है फेस का एंड अफेक्टेड पार्ट। नो नेजोलेबियल फोल्डेड आईज प्रेजेंट, हमको नेजोलेबियल फोल्डेड प्रेजेंट नहीं दिखेंगे। अब्सेंस ऑफ रूटिंग रिफ्लेक्स ऑन द अफेक्टेड साइड, जो उसका अफेक्टेड साइड रहेगा वहाँ पर हमको रूटिंग रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। अब ये मत बोलना कि रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे कि हम बेबी के पास में, जैसे मान लो ये नॉर्मल बेबी है, अब इसके पास में हम ऐसे हाथ लाएंगे तो वो क्या होगा, अपना मुंह धरी साइड लाने लग जाएगा, लेकिन अब देखो इसको यहाँ पे अफेक्टेड साइड है, अब यहाँ पे इसको टच करेंगे ना तो वो उसका जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। बट सकलिंग रिफ्लेक्स रिमेन अनअफेक्टेड, सकलिंग वो कर पाएगा अगर निप्पल, मदर निप्पल उसके माउथ में सक करवाएगी तो वो सक कर लेगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से सक नहीं करेगा, उसको थोड़ा प्रोसेस करवाना पड़ेगा। हाउ एवर इफ़ द बेबी कैन नॉट फ्रॉम इफेक्टिव सील ऑन द निप्पल,
इसमें देखो मैं बोल ही रही थी, इसमें जो अफेक्टेड साइड है वो क्या होगा कि वो पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा निपल को। सम फीडिंग डिफिकल्टी में अराइज ब्लीड, फीडिंग डिफिकल्टी हमको देखने को मिलेगी इसमें। देर इज़ यूनिलेटरल फेशियल वीकनेस विथ आईलिड अफेक्टेड साइड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ऑन क्राइंग द एंगल ऑफ माउथ इज ड्राइंग ओवर द अनअफेक्टेड साइड। क्या होगा कि जो उसका क्राइंग है, ठीक है, क्राई के टाइम पे दोनों जो चीक है उसके, उस पर दोनों पे क्या होगा कि जो अफेक्टेड साइड है उस पर क्या होगा कि एंगल पड़ता है, लेकिन अनअफेक्टेड साइड पे क्या होगा कि उसको बिल्कुल भी एंगल नहीं पड़ेगा, वो जैसा वैसे का वैसे ही रहेगा। इट कैन बी फाउंड बायलेटरल इफ़ इन एसोसिएशन विथ इंट्रा क्रैनियल लेसन्स। अगर उसको इंट्रा क्रैनियल पर भी उसका असर पड़ चुका है, लेसन्स हो चुका है इंट्रा क्रैनियल लेसन्स, दैट मीन्स क्या है कि वो बायलेटरल हमको देखने को मिलेगा, दोनों साइड देखने को मिलेगा अगर इंट्रा क्रैनियल लेसन्स उसको दिख गया है तो। मैनेजमेंट इसका, देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एज द कंडीशन इम्प्रूविंग ऑन फर्स्ट टू वीक्स, एक दो वीक में हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड कब होगा, जब हमें इंट्रा क्रैनियल लेसन्स देखने को मिलते हैं। इफ़ द बेबी आइज डज नॉट क्लोज ऑल द वे, द आई पैड एंड आई ड्रॉप्स विल बी यूज टू प्रोटेक्ट द आइज। अगर बेबी का आइज क्लोज नहीं कर पा रहा है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको आईपैड और आई ड्रॉप्स देंगे ताकि वो अपनी आईज उसका प्रोटेक्ट हो सके। इफ़ द आईलिड रिमेन ओपन रेगुलरली, इंस्टीलेशंस ऑफ सिंथेटिक टीयर वन मिथाइल सेल्यूलोज आई ड्रॉप कैन हेल्प ल्यूब्रिकेट द आई बॉल। क्या होगा कि अगर उसको प्रॉपरली वो अपनी आई ओपन ही रख रहा है, तो उसको रेगुलर हमें इंस्टीलेशन करना है विथ वन मिथाइल सेल्यूलोस आई ड्रॉप उसको प्रोवाइड करवानी है। ये क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है आईबॉल में। नेक्स्ट है फीडिंग, अगर डिफ़िकल्टी हो रही बेबी को फेशियल पाल्सी में, तो ये यूजुअली ओवरकम बाय द बेबी ऑन एडेप्शन, वो अपने आप एडेप्शन कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट डे उसने थोड़ा बहुत कोशिश करी, नेक्स्ट डे उसके अंदर और कोशिश हुई, तो फिर वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो अडेप्शन कर लेगा। ऑल्सो अल्टरनेटिव फीडिंग पोजीशन कैन बी टायर्ड, गिव एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, मतलब उसको ये है कि उसको अल्टरनेटिव ब्रेस्ट पोजीशंस में पिलाना है। अगर एक पोजीशंस में नहीं पी रहा है तो उसको ट्राई करना है पोजीशंस में, एंड एक्सप्रेस्ड मिल्क उसको प्रोवाइड करवाना है। सर्जरी में भी नीडेड टू रिलीव प्रेशर ऑन द नर्व, सर्जरी हम करेंगे कि अगर उसके प्रेशर्स पड़ रहा है नर्व पे, तो उसको ठीक करने के लिए करेक्टिंग सर्जरी करेंगे। इन्फेंट विथ परमानेंट पैरालाइज नीड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लाइक नर्व ट्रांसप्लांटेशन। अगर बेबी को परमानेंटली पैरालाइसिस देखने को मिल रहा है, जैसे कि 2 मंथ हो गए उसको ठीक नहीं हो रहा है, 1 मंथ हो गए ठीक नहीं हो रहा है, तो हम उसको नर्व ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के थ्रू ठीक करेंगे। प्रोग्नोसिस है इसका, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ फेलसियस पैरालाइज रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन 2 वीक। जो पैरालाइज देखने को मिलता है फेसियल पैरालाइज, वो रिजॉल्व हो जाता है स्पॉन्टेनियसली इन 2 वीक्स। 2 वीक्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, नॉर्मल हो जाता है बेबी। इफ़ मूवमेंट ऑफ फेस इज स्टिल लिमिटेड एट 1 ईयर ऑफ एज, परमानेंट पैरालिसिस इज लाइकली। अगर हम देखते हैं कि हमें 1 ईयर तक कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रेकल पाल्सी। आई थिंक आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आप इतना पढ़िए, नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।